तो बेसिकली हम लोग का टॉपिक क्या है, स्पेशल प्रिविलेज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, राइट, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, कि इसमें ये एडवांटेजेस हैं। हाँ, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे। देखो बेसिकली ये हमें चेक करना है कि ऐसी कौन कौन सी स्पेशल फैसिलिटीज हैं, एडवांटेजेस हैं जो प्राइवेट कंपनी को अवेलेबल है कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी, राइट। क्योंकि अगर हम कभी भी किसी चीज का बेनिफिट देखते हैं तो बेनिफिट अक्सर यही देखते हैं कि हमें दूसरों से क्या ज्यादा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिस प्रिविलेजेस आर अवेलेबल टू ऑल प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, राइट। सभी प्राइवेट कंपनीज को मिलेगा अगर वो पब्लिक की सब्सिडरीज हैं, इन केस उसको तब भी मिलेगा। जैसे पहला क्या लिखा हुआ, इजी फॉर्मेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। और इजी फॉर्मेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म्ड विथ ओनली टू नंबर्स। याद होगा हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं अगर उनको स्टार्ट करना है तो अगर दो लोग हैं तो भी स्टार्ट हो सकता है। अब देखो ये स्पेशल प्रिविलेज कैसे है, क्योंकि जो पब्लिक कंपनीज होती है उन लोगों को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, और यहाँ तो 2 में ही इनका काम हो गया, राइट। फिर आगे लिखा है इट कैन बी स्टार्टेड विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ओनली, व्हाइल अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, राइट। तो ये एडवांटेज एक चीज और है इजी फॉर्मेशन में ही, कि भाई कम से कम 2 लोग हैं तो भी स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, ₹1 लाख अगर आपके पास है देन ऑल्सो इट कैन बी स्टार्टेड द बिजनेस। और रीजन क्या है इसका, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो 1 में ही स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने रुपए की जरूरत पड़ती है, ₹5 लाख की। तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बेनिफिट मिल गया कि नहीं। ओके, तो ये हम लोग का है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस। अब देखो एग्जेम्पशन ऑफ प्रोस्पेक्टस कैसा है, अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। अब देखो हम लोगों को लगता है कि प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत आसान है, गया मार्केट में इशू कर दिया, नहीं। उसके लिए हमें कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास जाके हमें उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है दैट वी आर इशूइंग अ प्रोस्पेक्टस। तो ये सारे बहुत लंबे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और अगर इनको इशू नहीं करना है, मतलब वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इनको फॉलो नहीं करना है, दैट्स व्हाई इनके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो यहां पे वही लिखा है, दिस एग्जेम्प्ट्स द प्राइवेट कंपनी from complying with the provision of the act regarding filing statement in lieu of the prospectus, yani ki jo ye prospectus related jo bhi documents hai usko filing karne ka kaam inko nahi karna hai, kyunki jab inko issue hi nahi karna hai to filing karne ka sawal hi nahi hota। Okay, uske baad next hai no need of certificate of commencement। agar kal wala class mein agar acche se dekha hoga to hum logo ne usme padha tha private company and public company ka difference tha, तो उसमें कमिंसमेंट करके एक पॉइंट था, तो उसमें क्या लिखा था, अ प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। मतलब अगर उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए उनको जरूरत है सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट की। वही यहाँ पे लिखा है इट नीड नॉट ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमिंसमेंट ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी की कंपनी के लिए रूल है, पब्लिक कंपनी के लिए। ओके, प्राइवेट कंपनी वाले अगर इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल गया उसके बाद ही वो कंटिन्यू अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 एडवांटेज अभी क्लियर हुआ हम लोग का। पहला क्या था, इजी फॉर्मेशन है, दूसरा है एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस, तीसरा है नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। ओके, इजी फॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस, एग्जेम्पशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टस, नो नीड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अ बिजनेस। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन रिगार्डिंग द डायरेक्टर्स। अब देखो एग्जेम्पशन रिगार्डिंग द डायरेक्टर्स कैसे, जो हम लोगों का डिफरेंस था ना पूरा का पूरा वही है यहाँ पे बेनिफिट। अब देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो क्या लिखा है, अ प्राइवेट कंपनी मे हैव 2 डायरेक्टर्स, राइट। क्लियरली मेंशन है कि दे हैव 2 डायरेक्टर्स, विच कंपनी, प्राइवेट कंपनी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग अंडरटेकिंग to take up qualification shares and pay for them and filing consent of director etc are not applicable to the private companies। See basically इन लोगों को benefits क्या है directors से related, director से related ये benefit है। पहला benefit तो ये है कि भाई अगर 2 लोग हैं तो भी start हो जाएगा। दूसरा benefit क्या है, restriction on appointment of the directors regarding undertaking to take up qualification shares। इन लोगों को है ना भाई qualification shares लेने की जरूरत नहीं है, okay, ना ही उसके लिए pay करने की जरूरत है। और उसके साथ ही साथ दे डू नॉट नीड टू रिक्वायर द फाइल द कंसेंट्स ऑफ डायरेक्टर, जबकि पब्लिक कंपनी में उन लोगों का कंसेंट फाइंड आउट करना जरूरी है, फाइल करना जरूरी है कि उन लोग अपने मर्जी से
डायरेक्टर बन रहे हैं वो सारा डिटेल उनका नाम सब कुछ लिख के रजिस्ट्रार के पास देना कंपलसरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी उन लोगों का एग्जेम्पशन है, तुम लोग मजे करो, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग रिपोर्ट ऑन एजीएम। एजीएम का मतलब क्या था? एनुअल जनरल मीटिंग। प्राइवेट कंपनी नीड नॉट प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द एनुअल जनरल मीटिंग। पब्लिक कंपनी को इतना नहीं करना होता, लेकिन सॉरी प्राइवेट कंपनी को, बट पब्लिक कंपनी को कंपलसरी कि उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो सबमिट भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद नेक्स्ट एग्जेम्पशन है। अब यहाँ पे अलग अलग एग्जेम्पशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है एग्जेम्पशन रिगार्डिंग प्रोसीडिंग एट द मीटिंग, यानी जब कभी कंपनी का जो मीटिंग स्टार्ट होता है, मीटिंग का प्रोसीडिंग्स होता है, तो वहां पे क्या हम लोग को बेनिफिट मिलने वाला है, यानी प्राइवेट कंपनीज को। अब प्राइवेट कंपनीज इंजॉयज मेनी प्रिविलेजेस रिगार्डिंग प्रोसीडिंग्स एट द जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी, तो कौन कौन सा है उसको भी रीड कर लेते हैं। पहला, ओनली टू पर्सन्स पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन फॉर हायर नंबर इन द आर्टिकल्स। देखो, यानी कि अगर दो लोग हैं तो भी वो लोग कोरम बना लेंगे और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। I mean, इनका जो डिस्कशन है, जो भी टॉपिक था इस बात के लिए मीटिंग स्टार्ट किया, रखा हुआ है, वो मीटिंग ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, वन पर्सन कैन डिमांड पोल इफ द नंबर ऑफ पर्सन प्रेजेंट डज नॉट एक्सीड 7। और अगर मान लो 7 लोग से ज्यादा नहीं है, ठीक है, क्या बोला है कि अगर मीटिंग में 7 लोगों से ज्यादा नहीं है तो भी एक पर्सन, ठीक है, सिचुएशन क्या याद रखना है कि अगर 7 लोग से ज्यादा नहीं आ पा रहे तो भी उनमें से अगर एक बंदा चाहे तो भी डिमांड कर सकता है, भाई मुझे पोल की जरूरत है। एंड टू पर्सन इफ द नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड 7, और अगर 7 लोगों से ज्यादा है तो ऐसे केस में कम से कम 2 लोगों का बोलना जरूरी है कि भाई हमें पोल की जरूरत है या हमको पोल चाहिए, राइट। तो ये दो रूल है। पहला क्या बोला है कि ओनली टू पर्सन पर्सनली प्रेजेंट विल फॉर्म द कोरम, राइट, कि दो लोग हैं तो भी कोरम बन जाएगा, और अगर इन केस आर्टिकल्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। दूसरा क्या बोला है कि वन पर्सन कैन डिमांड द पोल इफ द नंबर ऑफ पर्सन डज नॉट एक्सीड 7, और इन केस अगर 7 एक्सीड करता है तो कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी पोल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इन द अब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रेरी इन द आर्टिकल्स अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट अपॉइंट मोर देन वन पर्सन एज द प्रॉक्सी टू अटेंड मीटिंग ऑन द सेम ओकेशन। देखो, बोला है इन द अब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रेरी, अगर मान लो तुम्हारा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है और उसके अपोज है, कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है आर्टिकल से कि भाई एक पर्सन जो है वो अलग अलग लोगों को प्रॉक्सीज के लिए नहीं रख सकता, राइट, अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट अपॉइंट मोर देन वन पर्सन एज द प्रॉक्सी टू अटेंड मीटिंग ऑन द सेम ओकेशन, राइट, एक ही ओकेशन पे एक से ज्यादा प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट करवा सकता, तो ऐसे केसेस में ये रूल अप्लाई होता है। किस पे ये एग्जेम्पशन किसको मिल गया है हम लोगों को? प्राइवेट कंपनीज को। क्लियर है इतना? ये एग्जेम्पशन क्लियर हुआ पहला। नेक्स्ट है exemptions regarding statutory meetings. देखो, अब इसमें कैसा है? Statutory meeting में क्या होता है? A private company is under no legal obligation to hold a statutory meeting and file a statutory report with the registrar. देखो, basically rule कैसा है कि जो public companies होती है ना, उनको as per the rules, उनको पहली meeting करनी होती है, जिसको बोलते हैं statutory meeting, right? लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। वो अगर चाहे तो मीटिंग करवा सकते हैं, अगर ना चाहे तो वो लोग नहीं करवा सकते। उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का दबाव नहीं है कि मीटिंग तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग राइट इशू। अब देखो, इसमें कैसा लिखा हुआ है? लॉ डज नॉट कंपेल अ प्राइवेट कंपनी टू ऑफर शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर व्हेनेवर इट इंटेंड्स टू इंक्रीज इट्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखो, यहाँ पे कैसा बोला है? The law does not compel a private company to offer shares to its existing shareholder whenever it intends to increase its subscribed capital. मतलब कैसा लिखा है कि यहाँ पे इन लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जब ये लोग अपने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर देना चाहते हो, इनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का अप्लाई नहीं होता है, पर पब्लिक कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। ओके, क्लियर है ये दोनों पॉइंट? देखो, ये जितने भी हमने एग्जेम्पशंस पढ़े, जो भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है, प्राइवेट कंपनी को जो भी प्रिविलेजेस अवेलेबल है, ये नॉर्मल था। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ एडिशनल आ जाए, एडिशनल का मतलब कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इन लोगों को अवेलेबल है। तो देखते हैं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या अवेलेबल है।
सबसे पहला लिखा हुआ एडिशनल प्रिविलेजेस अवेलेबल टू इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज, यहाँ पे देखो लिखा है फॉलोइंग आर द एडिशनल प्रिविलेजेस विच आर अवेलेबल ओनली टू द प्राइवेट कंपनीज विच आर नॉट सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। याद रखना ये जो ऊपर वाला था ना, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का और वो है लेकिन प्राइवेट कंपनी, तो उसको भी ये अवेलेबल था, राइट। ये हम लोगों ने हेडिंग में पढ़ा था, मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से। देखो यहाँ पे लिखा था ना, these privileges are available to all private companies including subsidiaries of a public company. In case अगर आपकी company जो है वो किसी भी public company की subsidiary company है भले private company, but है किसी public की subsidiary company, right? तो ऐसे cases में भी आपको ये benefit मिलेगा, लेकिन अभी ये जो आगे के benefits हैं ये purely private company को ही available है, ठीक है, purely 100% सिर्फ किसको available है, only to the private companies. देखते हैं क्या क्या है exemptions regarding directors. अब देखो directors से rules से, जो directors से related है उसमें क्या क्या benefit इनको available है। private companies enjoyed abundant freedom with the respect to the appointment of remuneration etc. of directors, managers etc. for example, देखो इनको बहुत सारे benefits available है appointment के लिए, remunerations के लिए, किसके लिए, directors या managers का, या उनका पैसा, उनका जो salary है वो कितना देना है, उनका appointment कैसे करना है, उससे related इन लोगों को काफी benefits available है, जिसमें से सबसे पहला यहाँ पे लिखा है all the directors may be appointed by the one resolution. याद होगा difference में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि सभी companies जो है private companies में वहां पे अगर directors को appoint करना हो तो एक ही resolution pass करवा के सारे directors को appoint कर सकते हैं, लेकिन public company में हर director के लिए अलग अलग resolution pass करना पड़ता है। दूसरा, not necessary for directors to retire by the रोटेशन, और इन लोगों को रोटेशन करके रिटायर होने की जरूरत नहीं है। रोटेशन का मतलब कैसा होता है कि एज पर द रूल्स जो पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं उनमें से 1/3 को हर साल रिटायर होना होता है, 2/3 ऐसे होते हैं जिनको रिटायर होना ही होता है लेकिन 1/3 हर साल रिटायर होते हैं, राइट। उसके बाद नंबर 3, कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स। अगर इन लोगों को कभी ऐसा लगता है कि वी वॉन्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इन दैट केस दे डू नॉट रिक्वायर टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी इन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट इन केस पब्लिक कंपनी है दे हैव टू टेक, ओके। नंबर 4, कंसेंट ऑफ द कैंडिडेट टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर नीड नॉट टू बी फाइल विद द रजिस्ट्रार। ये हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि हम लोगों को कंसेंट नहीं फाइल करना, किसका कंसेंट, डायरेक्टर का, यानी जिस पर्सन को हम एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करें उसका कंसेंट लेटर लिखवा के फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। फिर नंबर 5, गवर्नमेंट अप्रूवल टू द अमेंडमेंट ऑफ अ प्रोविजन, गवर्नमेंट अप्रूवल टू द अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ appointment and reappointment of managing or whole time or non-rotational director is not required. देखो अब इसमें कैसा लिखा है कि हर बात के लिए गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पब्लिक कंपनी होते तो भाई तुम्हें लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं। किस बात के लिए नहीं जरूरत है, अगर तुम्हें किसी मैनेजर को या किसी होल टाइम डायरेक्टर्स को तुम्हें अपॉइंट करना है वापस, जब उन लोगों ने रिटायर हो गए थे उसके बाद तुम्हें वापस अपॉइंट करना है, यानी रीअपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए भी तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। The consent of central government for appointing a whole-time managing director is not required. अगर तुम्हें किसी person को whole-time managing director appoint करना है, ठीक है, permanent के basis पे, तो भी तुम्हें permission लेने की जरूरत नहीं है। Does not require to take permission. Number 7, the restrictions of a company act, restrictions of the act relating to number of companies of which a person can be a director or managing director do not apply. अब देखो इसमें क्या लिखा है, the restrictions of the act relating to the number of companies of which a person can be a director, मतलब कैसा लिखा है कि जो directors होते हैं उनके ऊपर भी rules and regulations होता है कि maximum कितने companies में वो director बन सकते हैं, तो वो जो rule है वो private company वालों पर apply नहीं होता है, okay? फिर उसके बाद आगे लिखा है no prohibition for granting of loans by a companies to a directors. और अगर मान लो कि इनकी कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स को लोन देना चाहे तो भी लोन दे सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी वाले नहीं दे सकते, ओके। नेक्स्ट है, द इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज आर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स बोर्ड रिगार्डिंग सेलिंग ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द कंपनीज अंडरटेकिंग और रिमिटिंग और गिविंग टाइम for the repayment of a debt due by the directors. In short, मतलब यही है कि भाई directors को यहाँ पे काफी supports है, अगर in case उसको पैसे की जरूरत है या उसका कुछ liability है pay करने जैसा, तो यहाँ पे support मिल जाएगा private company में, but public company में ये support नहीं मिलेगा।
क्लियर है इतना? तो ये टोटल 9 रूल्स था स्पेशल केसेस में जो अवेलेबल है डायरेक्टर्स को लेके। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग मैनेजरल रिम्यूनरेशन। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज आर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द होल रिगार्डिंग फिक्सिंग और इंक्रीजिंग द रिम्यूनरेशन ऑफ अ मैनेजरियल पर्सनल ऑफ अ कंपनी। याद होगा डिफरेंस वाले में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पब्लिक कंपनीज होते हैं उनमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका, ये जो हम लोग रिम्यूनरेशन पे करते हैं उस पे भी। अब इसमें कैसा लिखा है, ये लोग फ्री है। अब फ्री में कितना है मैं तुम्हें बता दूं, जो पब्लिक कंपनी का रूल है उसमें वो लोग मैक्सिमम 11% ही दे सकते हैं, किसका, नेट प्रॉफिट का। लेकिन इनके में ऐसा रूल नहीं है, यानी अगर ये लोग चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। द इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज आर फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर परचेस और सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कंपनीज ऑन शेयर्स। देखो अगर ये लोग चाहे तो अपने ऑन शेयर परचेस, कंपनी खुद के शेयर परचेस कर सकती है रिगार्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो इसमें पब्लिक कंपनीज के ऊपर रूल्स और रेगुलेशन है, क्योंकि अगर वो लोग खुद के शेयर्स बिना परमिशन के ऐसे ज्यादा परचेस करने लगे तो मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, दैट्स वाई वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन है। यहाँ पे इतना नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, राइट। उसके बाद है एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स ऑफ एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। हाँ, ये पॉइंट को भी थोड़ा समझो कि वोटिंग राइट्स ऑफ एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, इसमें क्या लिखा है, द प्रोविजन दैट एन इंटरेस्टेड डायरेक्टर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग एट द बोर्ड्स प्रोसीडिंग इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। इट मीन्स इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा था अगर याद हो, कि हम लोग अगर जो डायरेक्टर्स है अगर किसी ऐसे बात में बोलना चाहते हैं जहां पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, ठीक है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, तो पब्लिक कंपनी में वो लोग नहीं बोल सकते ऐसे मैटर में कि जहां पे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी दिख रहा है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में चाहे तो बोल सकते हैं कि अगर पर्सनल इंटरेस्ट भी दिख रहा है तो भी वो लोग चाहे तो उसमें बोल सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी इज नॉट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट relating to the investment of funds by a company in other companies or the companies under the same management. देखो यहाँ पे point में समझो क्या लिखा है the private company, right? The private company is not subject to provision of the act relating to the investment of funds by a company in other companies or companies under the same management. राइट, यानी कि ये लोग अपना पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अब इसमें लिखा है इट मे बी नोटेड हाउएवर रिसेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पब्लिक कंपनीज ऑन लोन्स एक्सेट्रा टू अदर कंपनीज अंडर द सेम मैनेजमेंट हैज बीन डन अवे विद व्हिच एवर फॉलोज 1499। मतलब कैसा है कि जो पब्लिक कंपनीज थी ना उनके ऊपर पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस था। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या था कि अगर वो लोग अपने ही अंडर काम करने वाले लोगों के यानी मैनेजमेंट को या दूसरी कोई कंपनी है उनको लोन देना चाहे या पैसे देना चाहे तो वहां पे वो लोग नहीं दे सकते हैं। बट पब्लिक ये प्राइवेट कंपनी वालों के पास बेनिफिट था कि अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं। हालांकि रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें इन लोगों ये भी रूल्स पब्लिक कंपनी से हटा दिया है, बट फिर भी हमको ये पढ़ना है कि भाई ये एडवांटेज अवेलेबल था। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस रिगार्डिंग राइट टू अपील इन केस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर। रजिस्टर यानी जो हमारा रजिस्ट्रार होता है ना उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी हैव अ नो राइट टू अपील टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। देखो इसमें क्या लिखा, द शेयर होल्डर्स और डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज हैव नो राइट टू अपील। यहाँ पे एक्चुअली अपील होगा, अपील नहीं है, वो APPEAL होगा। Okay, to the central government against the refusal to register transfer of shares or debenture. देखो यहाँ पे कैसा बोला है कि जो ये private companies वाले हैं, ठीक है, independent private companies हैं, इन लोगों में के पास ये right नहीं है कि लोग central government पे या central government के against में ये register यानी shares और debenture को register करवाना, उसके against में ये लोग case कर सके, ठीक है, कोई भी appeal कर सके। public company वाले appeal कर सकते हैं, but ये लोग नहीं कर सकते। उसके बाद next है exemptions regarding power of the central government to prevent changes in the board. The independent private companies are free from the provision of the act giving power to the central government to prevent changes in the board likely to affect the companies prejudicially. अब देखो इसमें बोला है कि exemptions regarding power of the central government
टू प्रिवेंट चेंज इन द बोर्ड एग्जेम्पशन। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो कभी कभी हम लोगों की मतलब ये जो कंपनीज होती है उनके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे बोला है हमको उससे भी छूट है कि वो लोग हमारे मामले में बोल नहीं सकते। इट मीन्स द इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज आर फ्री फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वो लोग फ्री है, ठीक है, उनके ऊपर रूल सप्लाई नहीं होगा। क्या रूल सप्लाई नहीं होगा? गिविंग पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिवेंट चेंजेस इन द बोर्ड लाइकली टू अफेक्ट द कंपनीज प्रीजुडियसली। अगर वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो बोर्ड है, ठीक है, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जो पूरा बोर्ड होता है, अगर उसको लोग चेंज करना चाहे, इट मे बी पॉसिबल वो कंपनी पर इफेक्ट करता हो, तो भी ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट वो लोग पब्लिक कंपनी में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी इंटरफेयर कर सकते हैं, राइट। तो ये है तुम लोगों का टोटल प्रिविलेजेस अवेलेबल टू द प्राइवेट कंपनीज। एक बार थोड़ा रिवाइज करना इसका जरूरी है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स काफी सारे हैं, ओके, लेकिन पॉइंट्स याद रखोगे तो अंदर का अपने आप याद हो जाएगा। मेन है पॉइंट्स याद रखना, और कुछ जो है जो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अवेलेबल है, जो प्रिविलेजेस हैं, वो तुम लोगों ने डिफरेंस जो पढ़ा है ना, उस डिफरेंस के बेस पे याद हो जाएगा कि प्राइवेट कंपनी के पास क्या बेनिफिट है और पब्लिक के पास क्या बेनिफिट है। दोनों का डिफरेंस क्लियर करो तो अपने आप पता चल जाएगा कि प्राइवेट के पास एक्स्ट्रा क्या है, ओके। तो अभी जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो।